आइए बच्चों आज देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए होता है, डरते हैं बच्चे फंक्शंस का। जैसे ही नाम होता है, जैसे मॉडुलस मैंने देखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा है, सिग्नम फंक्शन देखा है, कैलकुलस, और कैलकुलस में फंक्शंस बहुत आपको डराते हैं शायद, मुझे लगता है। बट ये सेशन आप पूरा देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका दोस्त बन जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होगा। चलिए पूरी पूरी प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से बुक्स में या नोटेशन इनका क्या है। अगर आप इस बात को जान ही नहीं पाएंगे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं, तो वो तीनों स्टेटमेंट ये क्लियर करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ब्रैकेट की तरह होता है, क्लोज जिसको ब्रैकेट लेते हैं, तो यहाँ पर जब भी ब्रैकेट लगाएंगे तो सिंपली हम लोग क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लेते हैं, बट यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन में उसकी डेफिनेशन दी जाएगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या लिखेगा इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स या GIFF। मतलब जब भी आप ऐसे लिखा गया है एक्स प्लस वन, तो बोलेगा वेयर ब्रैकेट जो है वो डिनोट कर रहा है GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ऐसे अलग से हर स्टैंडर्ड बुक या पेपर में कभी भी ये ब्रैकेट इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो यहाँ पर वो अलग से जरूर बताएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि कन्फ्यूजन है क्लोज ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के लिए। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, अगर ऐसे मॉडक्स लिख दिया गया तो यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला जाता है कि मॉडुलस फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इंक्लूड किया गया तो जरूर बताएगा कि एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि ये सेट का डिनोशन आपको पता है कि आपको या पता नहीं है तो बता देते हैं कि ये वाला ब्रैकेट सेट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, कि एलिमेंट्स को कलेक्शन करने के लिए सेट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है, जैसे कि अगर ये सिंबल यूज़ किया गया तो एक सिंबल दो जगह पर नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब यूज़ करते हैं तो जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, इंटीजर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर इंटीजर के लिए होगा तो ज़रूर बोलेगा कि इंटीजर है, अगर इंटीजर के लिए नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर तो बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे सी है तो अब सी दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर और सी फॉर कॉन्स्टेंट। तो हर जगह अगर इस तरीके के सिंबल में कन्फ्यूजन होता है तो वो ज़रूर ये डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर किस बात के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, जब भी क्लोज ब्रैकेट आएगा अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो आप आइडिया नहीं लगाएंगे, वो ज़रूर बताएगा कि इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली बात जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता था, किस तरीके से दिखेगा, कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ये बात करेंगे। अब वर्किंग कि कैसे काम करता है, फिर उसके बाद देखेंगे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एप्लीकेशन, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में आपको डेटा दिख रहा है। टेबल का क्या मतलब है, धीमे धीमे पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इंटीजर आपको दिख रहा होगा, इंटीजर को दो पार्ट में ब्रेक किया, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन, और यहाँ पे इरेशनल नंबर्स, सारे टाइप के जो नंबर्स हैं उनको हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। कहने का मतलब इंटीजर टाइप के नंबर, पॉजिटिव इंटीजर टाइप के नंबर हमने इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर डाले, तो वन का इंटीजर पार्ट वन आएगा, एट का एट आएगा, थ्री का थ्री आएगा, 38 का 38 आएगा। यानी आपके सामने करके दिखाते, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए, जैसे कि आपने 23 ले लिए सपोज, तो 23 का इंटीजर पार्ट निकालेंगे तो 23 आएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर अगर आप x डालते हैं तो x निकल के आएगा, इंटीजर वैल्यू आपने पॉजिटिव निकाली तो वही निकल के आएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x के बराबर भी होती है। यहाँ पे देखिए माइनस वन डाला तो माइनस वन आए, माइनस एट डाला तो माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर सपोज माइनस इलेवन निगेटिव इंटीजर माइनस इलेवन डाला तो माइनस इलेवन आएगा। यहाँ पर भी क्या है कि अब आपने x डाला तो x आया। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकल गया है कि कोई भी आप इंटीजर अगर डालते हैं इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इंटीजर वही निकल के आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्लियर कट ध्यान रखें कि नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू डाली जाए, अब इंटीजर कोई भी डाला जाए, जैसे कि जीरो भी डाला जाए, जीरो को हमने नहीं लिया, आपको पता होगा कि जीरो ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, तो जीरो को भी अगर डालते हैं तो अगर ये इंटीजर है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल सी बात दिमाग में बन गई, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब जो पॉइंट्स में वैल्यूज हो, पॉइंट्स के डेसिमल कंटेंट की हो,
तो पॉजिटिव फ्रैक्शन यहाँ डालना है 3.8, 0.6, 9.00, 9, 8.16। सपोज आपके सामने हम 3.2 डालते हैं, 3.2 डालते हैं, तो देखो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या है, कैसे, हाँ 2.2 डालना है या जो भी है, अगर आपको 2.2 यहाँ दिख रहा है या 2.2 डालना है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका रीज़न है कि आप सबसे पहले रियल लाइन बनाइए और 2.2 से पहले 2 है और 2.2 के बाद क्या है 3। 2.2 वैल्यू जो है 2.5 वैल्यू है, 2.7 वैल्यू है, ये हमेशा 2 और 3 के बीच में आएगा, कहीं यहाँ पर इसकी लोकेशन कहीं यहाँ पर होगी। इसका इंटीजर पार्ट ले रहे हैं तो इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन देखते हैं, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बिल्कुल इत्मीनान से आप इस बात को ध्यान दें, लेक्चर पूरा पूरा रहेगा, लेक्चर पे लेक्चर बनाने के लिए नहीं बना रहे, हर बात आपको क्लियर कट समझ में आए। आप थोड़ा सा समय जा लीजिए, बट ये कोर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आराम समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि अगर आपने जैसे कि 2.7 सपोज डाला, तो कह रहा कि इससे पहले आने वाले जितने भी इंटीजर हैं, तो 2.7 से पहले आने वाले इंटीजर जो है -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, अब 3 तो होगा नहीं बच्चों, 3 तो होगा नहीं, 3 इसके बाद हो गया, इससे पहले -2 भी होगा। तो जितने सारे इंटीजर हैं इससे पहले, उनमें से सबसे बड़ा, तो उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 2। अगर ऐसे ही कोई डेफिनेशन अप्लाई करें कि 5.9, तो 5.9 में 5 से पहले, 5.9 से पहले आने वाले इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि 5.9 से आने वाले पहले आने वाले सबसे इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर, तो सबसे बड़ा इंटीजर आपके आ गया 5। तो ये तो डेफिनेशन हुई, मगर कैसे याद है, कैसे ध्यान रखेंगे कि 2 और 3 के बीच में 2.2 है, तो उसमें लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा, तो लेफ्ट में कौन सा है, 2 है। 8.16 के लेफ्ट में कौन सा होगा, 8। 9.09 के लेफ्ट में कौन सा होगा, 9। 0.6 के लेफ्ट में कौन सा होगा, 0। 3.8 के लेफ्ट में कौन सा होगा, 3। तो इनकी इंटीजर वैल्यू क्या आई आपने देख ली। निगेटिव फ्रैक्शन में देखेंगे, तो निगेटिव फ्रैक्शन में आप यहाँ ध्यान दीजिए, निगेटिव फ्रैक्शन में ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए कि -3.8, -0.6, -0.9, 0.009 जो है, और -8.16, कहने का मतलब जो भी यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन डाले गए तो उसके ही निगेटिव ले लिए गए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सेट कर लिया दिमाग में, एक बच्चा देखो सेट कर लेता है दिमाग में, उसने इन सारी बातों पर, इन सारी डेफिनेशन पर ध्यान नहीं रखा, वो ध्यान ही नहीं रखता है। एक बात ध्यान रखता है कि जैसे कि उसने कहा देखो भाई 6.7 है, तो हमें ये दिख रहा है, हम सीधे सीधे 6 रख देंगे, ठीक है, उसने बात डट ली कि भाई इसमें जो हमने उसने ऑब्जर्व कर लिया, देखो यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, 2, बाकी हम क्यों इतना झंझट करें भाई, सीधा सीधा उसने कॉन्सेप्ट बना लिया अपने मन में, ठीक है, टीचर कुछ भी बोलता रहा, मैं कितना ही बोलता रहा, आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया। अब उसने कहा कि अब उसके सामने क्या, टीचर ने ये रख दिया, अगर टीचर थोड़ा सा स्मार्ट है, टीचर जानता है कि इसने दिमाग रख लिया, तो भाई आपको क्या दिख रहा है, ये -3 दिखेगा, मगर टीचर आपको क्या बता रहा है कि बच्चों देखो इसका आंसर क्या आएगा, -4। अब टीचर की बात सही कि आपकी बात सही, आप जानते हो कि टीचर कलाकार है, टीचर को पता है, तो आंसर -4 बेटा है। अब आप समझ, अरे ये क्या हुआ, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट बना लिया था कि भाई ये वाले याद कर लेंगे, तो अब आपको समझना है डेफिनेशन कि इसका आंसर -3 ना होकर -4 क्यों आया। हमने बताया था इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर हो वो उसकी वैल्यू होगी। तो आप देखो -3.4 को लोकेट करिए, तो -3.4 को लोकेट करोगे आप, तो उससे उसके लेफ्ट में -4 होगा और उसके राइट में क्या होगा, -3, क्योंकि -3 बड़ा है और -4 छोटा है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर 3.4 डालते हैं तो 3.4 जब डालेंगे तो 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, ठीक है। देखो ये, और ये इसमें निगेटिव में रियल लाइन पलट जाती है, जो 4 था वो -4 इधर आ गया और -3 इधर आ गया, ठीक है, तो -3.4 यहाँ आ जाएगा, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आ गया, -4। समझ में बात की नहीं, तो देखो ऐसे में इसमें भी क्या है, लेफ्ट में क्या है, -10, इसके लेफ्ट में क्या है, -1, इसके लेफ्ट में क्या है, -4। अब एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा,
कि उसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर आएगा वो आप डाल देंगे। अब देखिए जैसे इरेशनल नंबर डाले गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने का आ जाता है एक्सपोनेंशियल, यहां मतलब टी नहीं है, जो आप एक्सपोनेंशियल जानते होंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, रूट टू का निकालना है, तो रूट टू की वैल्यू 1.414 के करीब आपने याद की हुई होगी। अब देखिए अगर 1.14414 जो भी है इसकी वैल्यू का इंटीजर पार्ट निकालें तो आप समझ रहे हो कौन सा होगा, इसके लेफ्ट में कौन सा होगा भाई, वन होगा। अब रूट फाइव की वैल्यू देखो, रूट फोर की वैल्यू टू है, रूट फोर की वैल्यू क्या है टू है, और रूट नाइन की वैल्यू थ्री है, तो टू और थ्री के बीच में होगा, तो टू और थ्री की कोई बीच में वैल्यू है, टू टू थ्री इसके बीच में वैल्यू ऐसी होगी 2.2, 2.3, 2.5, ऐसी वैल्यू का इंटीजर क्या होगा टू होगा। अब पाई मतलब 3.14, तो तीन और चार के बीच में जिसका इंटीजर क्या होगा भाई थ्री होगा। अब ई मतलब 2.7133 है, 2.7321, मगर इसको याद नहीं करेंगे, सर जी ने क्या बोल दिया भाई, ई पाई रेशनल नंबर है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू और थ्री के बीच में है तो इसकी वैल्यू टू ही। तो भाई नंबर्स के लिए आपने इंटीजर की सारी प्रॉपर्टी, हमें लगता है इससे बेहतर नहीं हो सकती हैं, और आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ और उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम लोग ग्राफ देखेंगे। थोड़ा सा ग्राफ को पहले से हम लोग ऑलरेडी अपना प्रिपेयर कर लिया, पूरा बाकी जो मेन हिस्सा है वो आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। बताते चलें आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, सबसे पहले आपको प्लेन डिसाइड करना पड़ता है, हमने उन्हें लाइनिंग या स्पेसिंग कर ली है, ये एक्स एक्सिस है आपको पता ही होगा, इतनी नॉर्मल सी बातें आपको पता होगा, बट ये हो सकती है कि आपके लिए बिगनिंग हो तो टफ बातें हो सकती है, तो सब बातें एक्सप्लेन की गई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कुछ टेबल के फॉर्म में बताया गया, हो सकता है कि आपके लिए नया हो। जब यहाँ पे टेबल के लिए दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में देखो क्या कर रहे हैं, जीरो रखा गया, तो जीरो का इतना आपको पता होगा कि जीरो रखने पर कितना आ गया, जीरो 0.1 रखने पर जीरो बताया गया था, यानी ये सारी वैल्यू जैसे कि यहाँ पर इन वैल्यू में कोई कन्फ्यूजन हो तो जैसे कि 0.5 डालेंगे क्या आएगा जीरो, तो ये एक्स है और ये बेटा क्या है वाई, तो देखो इन सारे एक्स पे क्या आया वैल्यू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर 0.9 और 0.99 तक बढ़ी और वाई की वैल्यू क्या रही कांस्टेंट, वाई की वैल्यू क्या रही कांस्टेंट, इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, और क्या एक्स वाई की वैल्यू जीरो रहेगी कब तक, और जैसे ही बेटा क्या डाला वन डाला वाई की वैल्यू उछल के क्या हो गई यहां से सात छोड़ा और वाई की वैल्यू अभी तो जीरो थी, और जैसे देखो ऐसे ये जा रहा जैसे ही वन आया उछला और कहां पहुंच गया वन पे। अब वन से वैल्यू बढ़ाना, एक्स की वैल्यू वन से बढ़ाना शुरू किया, कितने तक दो तक, हमेशा वाई की वैल्यू क्या रही वन, यानी कि सीधा चलता रहेगा वाई हमेशा क्या रहेगा वन, और कब तक रहेगा जब तक कि दो ना आए, और जैसे दो हुआ इसने जंप लगाया और कहां पहुंच गया यहां पर, और फिर ऐसे जाके कितना रहेगा टू, फिर आगे जंप लगा लेगा थ्री, जैसे कि सीढ़ियां आप चढ़ते हैं कि आप पहले क्या करते हैं सीढ़ी ऐसे चढ़े और फिर एकदम से जंप लगा एक पॉइंट पर आप ऊपर उठे, फिर आप ऐसे गए, फिर आपने जंप लगाया, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, तो ये भी क्या है जंपिंग फंक्शन है, जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहे, फिर एकदम से जंप हुआ ये जाएंगे, फिर एकदम से जंप हुआ, और ये ध्यान रखें कि ये वाली वैल्यू को हमने कट दिखाया, ऐसे दिखाया, इसका मतलब यहाँ पर ना जाके ये पॉइंट दिखाया, तो ये वैल्यू यहाँ पर वन पर वन है ना कि जीरो है, और टू पर क्या है वन है, ऐसे ही आप आगे ग्राफ बनाएंगे, देखो यहाँ पर निगेटिव के लिए क्या दिखाई पड़ रहा है माइनस वन, मतलब ये वैल्यू हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं उसी आधार पर, देखो माइनस वन से लेके जीरो तक टेबल दिखाई है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेके जीरो तक रखा, वाई की वैल्यू क्या मिली माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस वन मतलब यहाँ से सेट होगी और कहाँ तक ये जाएगी, आगे भी ये जाएगी और ये जाएगी, ऐसे ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच भी देख ली, अगर कोई भी डाउट है तो आप दोबारा पलट के एक एक बात को ध्यान दें, अगर फिर भी आपको डाउट रहे ग्राफ में तो स्पेशली हम एक क्लास ग्राफ पर ही कुर्बान कर देंगे, पर आपको बताना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे लगता है कि विदाउट किसी मेंटर के आप बुक से क्वेश्चन समझ नहीं सकते, बिल्कुल क्लेम है। देखिए 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 2 एक साथ कोई भी आपने कभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला किताब में नहीं देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहने का मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला कहीं किताब में नहीं दिया गया है, हम ये बताने वाले हैं, कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप दो पार्ट में ब्रेक करिए 0 से लेके 1 तक, और आपको क्या करना होगा 1 से लेके 2 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब देखिए 0 से लेके 1 तक जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक थी
आपने देखा होगा कि जीरो डाला तो क्या आया, जीरो। अगर कोई बीच में वैल्यू डालते हैं तब भी कितना आया, जीरो। अगर 0.9 भी डालते हैं तो जीरो। इस एक्स के लिए जब एक्स जीरो और वन के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा क्या रहता है, जीरो। तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पे देखिए, जब आप वन और टू के बीच में डेटा डाल रहे हैं, जैसे आपने वन डाला तो आपको मिला वन। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं भाई, जो यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम हमेशा यहाँ पर एक्स की वैल्यू को देखते हैं, ये जो लिमिट है वो एक्स की ही वैल्यू है। तो ऐसी वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं तो 1.9 का भी क्या होगा, वन। तो कहने का मतलब जब भी एक्स वन और टू के बीच में रह रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया बच्चों, टू आया कि वन आ गया, क्या देखो भाई इधर वन आ गया, टू नहीं आया। तो वन और टू के बीच में इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, वन। तो सिंपल देखो, इसका इंटीग्रेशन करना था, करना किसका पड़ा हमें, जीरो और वन का। तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो और वन का इंटीग्रेशन एक्स। तो बताओ इतना सिंपल था ये, ये तो हो गया जीरो और ये क्या हो गया एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन वन टू टू के बीच में। तो देखो अपर लिमिट को पहले रखते हैं टू, फिर लोअर लिमिट को माइनस वन, तो आंसर कितना आएगा, टू माइनस वन दैट इज वन। आंसर बच्चों आया था वन, जिससे कि आप टैली कर लें तो वन आया। बहुत ही सिंपल था, एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे कि आप समझ पाए। अगर मान लो लिमिट लेते हैं माइनस माइनस टू से लेके थ्री तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आप ध्यान देते रहें, इंटीजर इंटीजर लिमिट में ब्रेक कर लेंगे, मतलब माइनस टू से लेके माइनस वन तक जाएंगे हम लोग। फिर कहाँ जाएंगे बच्चों, माइनस वन से लेके जीरो तक, फिर कहाँ पर जाएंगे दिखाई पड़ रहा होगा, जीरो से लेके वन तक, फिर कहाँ जाएंगे, वन से लेके टू तक। अभी हमें आगे बढ़ना है, कहाँ जाएंगे, टू से लेके थ्री तक, ठीक है। ये सारी लिमिट हमने ब्रेक कर ली, मतलब माइनस वन से लेके जीरो और माइनस टू से लेके वन, माइनस वन से लेके जीरो, वन जीरो से वन और वन से टू और टू से थ्री। अब देखिए बारी बारी से यहाँ पे हम लोग लिमिट को रखते रहेंगे। तो माइनस टू से लेके माइनस वन के बीच में कोई भी वैल्यू डाली जाए, पीछे आप पलट के देख सकते हैं, तो उसका उसकी वैल्यू आती माइनस टू। तो क्या आती है, माइनस टू लेके माइनस वन, माइनस टू डी एक्स आएगा। माइनस वन से लेके जीरो तक में क्या आएगा, अगर आपको याद होगा तो आता है माइनस वन। कोई वैल्यू माइनस वन से लेके जीरो तक डालिए तो उसकी वैल्यू माइनस वन होती है, रिमाइंड करें। अब जीरो से लेके वन तक डाला जाएगा तो क्या आएगा, जीरो। और अगर वन से लेके टू तक आएगा तो क्या आएगा बच्चों, वन आ जाएगा। और टू से लेके थ्री तक अगर डाला गया तो टू आ जाएगा। बच्चों एक काम करना, आप इसका आंसर में दे देना भाई, इसका आंसर आप प्लीज हमें दे दीजिए, सेंड करिए इसका आंसर, इसका आंसर में देना है। अगर आप मारुला क्लासेस के वीडियोस को सराहनीय प्रयास मानते हैं, अगर आप हमें प्यार करते हैं, प्यार करने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप दिखाएं, बट मुझे लगता है कि आप कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इतना कितना प्यार करते हैं। तो आंसर से आप प्यार जताएं या आंसर दें मुझे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे तीन क्वेश्चन हमने कंसीडर किए हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं। लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन में, लिमिट में, डिफरेंशिएशन में, कैलकुलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रॉड रोल है, रियल फंक्शन में ब्रॉड रोल है। तो एक एग्जांपल और आपके सामने लिमिट का। तो ये क्वेश्चन जैसे करते हैं तो हमेशा हम लोग लेफ्ट और राइट लिमिट का ध्यान रखते हैं, एलएचएल में भी जाएंगे। और तो आपको पता ही होगा कि लिमिट एज टेंस टू जीरो, जब भी आप किसी पॉइंट पर लिमिट लगाते हैं तो एलएचएल में आप टू से कुछ कम, टू माइनस एच, और राइट का मतलब है टू से कुछ ज़्यादा, तो एस टेंस टू जीरो और टू प्लस एच, यानी कि एक्स की जगह जहाँ जहाँ भी एक्स दिखे वहाँ पे टू माइनस एच रख देंगे। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या रखेंगे, टू माइनस एच इंटीजर में, यहाँ लिमिट एस टेंस टू जीरो क्या रख देंगे, टू प्लस एच। अब देखिए आप जो लिमिट का मतलब समझते हैं, आप समझते हैं, आपने कहीं पढ़ा है इसका मतलब नहीं, वो सही पढ़ाया होगा उन्होंने, जो किताबों ने भी सही पढ़ाया होगा, ब्लेम आप किताबों मत दें, आपने जो समझा। आप क्या करते हो कि लिमिट यहाँ अप्लाई कर देते हो, लिमिट आपने अप्लाई कर दी तो यहाँ जीरो रख दिया, और जीरो रख दिया तो इंटीजर का वैल्यू, टू का वैल्यू क्या निकाल दिया, टू, और यहाँ पे भी जीरो रख दिया तो वैल्यू टू निकाल दिया, तो ये टू आ गया, ये टू का लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। आंसर देखोगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कहानी यही शुरू होती है, ध्यान रखना। हमने बोला कि आई एम इन मारुला क्लासेस, छोटी सी बात है, अब बस ध्यान रखें, और आई एम गोइंग टू मारुला क्लासेस। दोनों स्टेटमेंट में ध्यान रखें कि x इक्वल्स टू टू और x टेंडिंग टू टू, तो
तो x इक्वल टू टू का मतलब है कि मैं कोचिंग में हूँ, और एक्सटेंडिंग टू टू का मतलब है मैं कोचिंग में अभी नहीं हूँ, पहुँच रहा हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि h जीरो अभी नहीं है भाइयों, जीरो होने वाला है। तो जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा, वो टू से घटेगा तो टू में कुछ कम हो जाएगा, तो उसके इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा भाई, वन आ जाएगा। बात ध्यान दें, और यहाँ पर कुछ टू से ज़्यादा है तो टू से ज़्यादा है उसका इंटीजर पार्ट टू आ जाएगा। आप लिमिट लगा दो, तो कांस्टेंट में लिमिट लगाने से कोई फर्क पड़ता, मतलब वही रहती है लिमिट, फर्क नहीं पड़ता है। तो LHL और HL बराबर नहीं हुई, इंटीजर पार्ट के लिए यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL और HL बराबर नहीं थी। तो ये बच्चों आपके लिए है कि इंटीजर मानेंगे और ये भी इंटीजर है, इन दोनों का आंसर निकाल लें, पर उस वाले का आंसर जरूर आप देंगे। वीडियो कैसा लगा, ये बातें कैसी लगी, आपको लगता है कि ऐसा छोटा सा पार्ट है, एक पार्ट में इतनी सारी बातें एक जगह बताई गई, एक फंक्शन के बारे में इतना बताया गया, तो आप इसको शेयर करें, जो भी कर सकते हैं करें, फीडबैक जरूर देते रहें, बताते रहें कि आपको क्या डिमांड है, आपको क्या चाहत है आपके लिए बैठे हुए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।